थानेसर में आज कांग्रेस को उस समय भारी सफलता हाथ लगी जब पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में वार्ड नंबर 8 से पार्षद राधेश्याम वधवा, वार्ड नंबर 18 से मनोनीत पार्षद गुरदयाल काजल, पूर्व पार्षद सुभाष वधवा, पूर्व पार्षद कमलेश वधवा, पूर्व पार्षद पवन वधवा, पूर्व पार्षद किरण काजल, पूर्व पार्षद नीरू वधवा और पूर्व पार्षद राधा रानी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस मौके पर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले 8 पार्षदों व पूर्व पार्षदों ने कांग्रेस को हरियाणा का भविष्य बताते हुए थानेसर के विकास के लिए कांग्रेस को ज्वाइन करने की बात कही। इस मौके पर उनके साथ नरेंद्र शर्मा निंदी, पार्षद विवेक मेहता, विक्की, तरुण अरोड़ा, सौरभ गर्ग सहित कई अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। एक मिनट सर, थोड़ा कर रहे हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच हमारे अच्छे साथी जो लगातार समाज में रह के समाज की सेवा कर रहे हैं, पार्षद के रूप में जिन्होंने बहुत लंबा समय गुजारा और लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा की, आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी को में शामिल होने का निर्णय लिया, जिनमें हमारे पार्षद हैं राधेश्याम वधवा जी, गुरदयाल काजल जी हमारे बड़े भाई पार्षद हैं, सुभाष वधवा जी पूर्व पार्षद हैं, पवन वधवा जी हमारे पूर्व पार्षद हैं, कमलेश वधवा जी पूर्व पार्षद, मैडम किरण काजल जी वो भी पूर्व पार्षद हैं, नीरू वधवा जी पूर्व पार्षद और राधा रानी पूर्व पार्षद। ये 8 पार्षद और पूर्व पार्षद आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, मैं इनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से जो हरियाणा प्रदेश में बदलाव की लहर चली है, इनके आने से हमें बहुत बड़ी ताकत मिली और मैं आप सभी साथियों को, भाइयों बहनों को एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सहयोग से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आप क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य हो, आपको कभी ये महसूस नहीं करने देंगे कि आपको कोई गलती है। आपका उचित सम्मान और उचित स्थान आपका हमेशा पार्टी में भी रहेगा और शोक प्रवाह में भी रहेगा। आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस ज्वाइन किया, लंबे समय से भाजपा जुड़ रही है, क्या काम इसकी योजना? मैं इससे पहले भी आपको प्रश्नों के उत्तर दूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरा एक बहुत लंबा समय मंत्री जी के साथ बिताया इन्हें लोगों के साथ, तो उन जो इनकी कार्य प्रणाली थी, जो इनके काम करने के तरीके थे, मैं उससे बहुत सहमत था। लेकिन उस कार्यकाल में भी इन्होंने हमारे कई बच्चों को नौकरी दिलाई है, मेरे परिवार में से भी कई बच्चों को नौकरी मिली है। मेरी जब पुत्र वधु हुआ था, सिलेक्शन होना था संस्कृत टीचर में, इन्होंने उसमें भी मतलब ये है कि मेरी दो जगह तो सिलेक्शन हुई, बंताराम जी के साथ मेरे थे उसके, और इन वाली लिस्ट में उससे पहले भी थी जारी। बाकी मेरे परिवार मध्य कई सदस्य इनके द्वारा लगाए, वैसे मैं इनकी जो इनकी कार्य करने की प्रणाली है उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। आज इनके द्वारा हमारे
परिवार में कई कर्मचारी हैं, उनको देखकर हमें वो पीछे कार्य जैसे इन्होंने किए हैं उन्हीं को उन्हीं के आधार पर आज मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और एक विश्वास ये भी दिलाता हूँ कि आने वाले समय में आप इतने जितना भी हमारे से हो पाएगा हम हर कार्य करने के लिए जो भी है जैसे भी पार्टी की तरफ से हमारे लिए तो सर्वेसर्वा अशोक जी हैं, जय वो देश करेंगे उनकी पूरी पालना होगी, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। क्योंकि एक तो नया हो सिस्टम ये हमारा बहुत पुराना भाईचारा है, तो इसलिए इनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए मैंने आज ये कांग्रेस ज्वाइन की है। और आशा करता हूँ कि ठीक ठाक हम इसमें भगवान की इनको सफलता इनको देंगे। बाकी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, कोई आदमी निरे साल से किसी पार्टी में रहता है कोई है, उसके बाद जाने के बाद वो कह देता है जी ये तो वो था ये था। मैं किसी का भी किसी भी के लिए मारे गए लोग क्या हो क्या नहीं हो मैं किसी का विरोध नहीं करता। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान यहाँ ज़्यादा है या बता सकते हैं? ऐसा है कि बात यह है, हम एक बात कहते हैं, हमने मान सम्मान तो हमने बहुत पुराने आज 15 साल पहले 20 साल पहले हमने मान सम्मान तो इतना इस पार्टी में इतना किया कि हमने जो नशा काम करते तो वही काम हुआ था। अशोक जी का एक फोन चले जाता था हमारे दो काम हो जाते थे। तो मतलब यह है कि मान सम्मान तो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मान सम्मान कुछ अपने 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 आप भी करना पड़ता है, अपने आप भी ऐसी स्थिति में रहना पड़ता है हमने कोई सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि कहीं लाइन से दूर अटका नहीं काम करना चाहिए। सिस्टम इज्जत अपने हाथ में बड़ी धन्यवाद। तो धन्यवाद, मैं फिर से मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। आज विश्वास के साथ जैन विश्वास के साथ इन्होंने हमारे को यहाँ से ज्वाइन कराया रहा, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं और मेरा परिवार पिछले 20 साल से नगर पार्षद के तौर पे अपने वार्ड की और अपने शहर की सेवा करें। हमारा और हमारे परिवार का केवल एक यही लक्ष्य है कि हम लोगों की सेवा करें, लोगों का काम है। पिछले 4 साल से हमारे वार्ड में काम बिल्कुल नहीं हुआ, जिसके हमने कई बार मंत्री से जाके शिकायत भी की हमारे काम नहीं हो रहे हैं या हमारे अफसर काम नहीं कर रहे हैं या हमारे कोई काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो पिछले 2.5 साल से तो हमारे वार्ड में 1 रुपया भी नहीं लगा, तो जिससे हमारे वार्डवासी काफ़ी असंतुष्ट हो गए थे कि ये हमारे वार्ड में काम नहीं हो रहा, क्योंकि हमने काफ़ी काम कराया। तो जब पहले काफ़ी काम हो जाए और बिल्कुल काम होने बंद हो जाए तो लोग नाराज होने शुरू हो जाते। तो हमने तो लोगों के काम करने हैं और काम करने के लिए उनसे हमने कई बार पहले प्रार्थना की, शिकायतें भी की, तो हमारे काम नहीं हुए। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को काम करने हैं, तो भाई साहब अशोक अरोड़ा जी के साथ मिलकर ही हमारे अब काम होंगे। तो इन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि जो भी हमारे वार्ड के काम होंगे, हमें अपना कोई लालच नहीं है, मुझे अपने परिवार का कोई लालच नहीं है, हमारे को कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमारे परिवार को कोई नौकरी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ लोगों के काम करने हैं और लोगों के बीच में रहना है, तो लोगों के काम करने पड़ेंगे। वार्ड के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए हमने काम करने हैं, हमें अपना कोई निजी लालच नहीं है इस काम पे। ना हमने कभी आज तक सुभाष सुधा से अपना कोई निजी काम करवाया, ना यहाँ भी हम कोई अपना निजी काम करवाने के लिए समाज के लिए आए हैं, समाज के काम के लिए आए हैं। और इसीलिए हम अशोक अरोड़ा जी के साथ मिलजुल कर काम करेंगे और उनको पूरी वोटर जिताएंगे। बात कांग्रेस या बीजेपी की नहीं है, बात है इस टाइम हरियाणा के अंदर और कुरुक्षेत्र के अंदर किसका मोल है। इस टाइम चारों तरफ हवा चल रही है, आंधी चल रही है कांग्रेस के पक्ष में, और भाई अशोक अरोड़ा जी के अपने भी कुछ निजी संबंध है, उनके अपने काम किए हुए हैं, पुराने काम किए हुए हैं, उनके उसके कारण भी लोग इनको अपना MLA बनाना फिर मंत्री बनाना चाहते हैं। थैंक यू। मैंने क्या है थानेश्वर, आज हमारे थानेश्वर नगर परिषद के पार्षद और पूर्व पार्षद 8 भाई बहनों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, मैं इनका स्वागत करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ अपने लोगों के लिए अपने वार्ड के साथियों से जो काम इनके पेंडिंग पड़े हैं, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से जहां पूरे हरियाणा प्रदेश के विकास होंगे वहाँ थानेश्वर नगर परिषद
हमें दुख आता है कि जिस परिवार का 20-25 साल से थनेश्वर नगर परिषद पे कब्जा हो और हमारा नगर परिषद स्वच्छता में नीचे से दूसरे नंबर पे आए, इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। तो हम सब लोग मिलके थनेश्वर के विकास के लिए काम करेंगे। थनेश्वर में जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको निकालना हमारी प्राथमिकता होगी। थनेश्वर को स्वच्छता में आगे ले आए, हम सब मिलकर सभी पार्षद और पूर्व पार्षद मिलकर हम थनेश्वर के विकास के लिए काम करेंगे। मैं इन्हें स्वागत करता हूँ, इन्होंने आज एक संघर्ष में शामिल होकर हमें ताकत दी। तो क्या कांग्रेस ज्वाइन किया? मैं सुभाष वधवा, पूर्व पार्षद वार्ड सेवन थनेश्वर से हूँ। मैं सुभाष सुधा जी के साथ पहले काम किया है, अशोक जी के साथ भी पहले काम किया है। अशोक जी का स्वभाव हमारे को बहुत अच्छा लगा है। भाई साहब ने कहा आप हमारे साथ आओ काम करो, हम इनके साथ काम करेंगे और दिल से करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों जिताने की कोशिश करेंगे। मैं तो बरसों से भाई साहब अशोक अरोड़ा जी के साथ जुड़ा हुआ था पहले भी, और अब भी हम एक जैसे हैं। दोनों के दिल हमारे सबके दिलों में भाई अशोक अरोड़ा जी है, और हम लोग सब इन्हीं से प्यार करते हैं, परिवारवाद में भी इन्हीं से परिवार करते हैं, और इनका हमारे परिवारों में सभी में सामाजिक तौर पे अच्छी तरह आना जाना भी है। और हम इनसे कभी दूर भी नहीं थे, ना कोई बीजेपी में हमने कोई ऐसा कोई काम लिया, ना उनके मैं आता जाता भी नहीं था उनके कभी। सुधा जी के वहाँ पे मेरा कोई आने जाने का संबंध ही नहीं था, मेरा सिर्फ उनका एक भाई था वो रमेश जी, उनके पास आना जाना था कभी, तो इसलिए वहाँ थोड़ा मेरा लिंक था। अदरवाइज मेरा किसी किस्म का वहाँ एज ए कार्यकर्ता या किसी पार्टी का उससे मेरा कोई रिलेशन पार्षद नहीं है। तो क्या माहौल दिखता है जनता का? वो नमस्कार, जनता का वोट क्या दिखता है? जनता का माहौल तो जनता ही बनाती है, जनता बनाती है, और बड़ा अच्छा माहौल जनता ने बनाया हुआ है। और जो कोई जहाँ कोई कमी पेशी है वहाँ सारे के सारे मिलकर हम खड़े हैं अशोक अरोड़ा जी के साथ, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। चलो मिलते हैं।